मैं अभी खाना खाने लगा था तो आप सोच रहे हो कि मैं हंस क्यों रहा हूँ। मेरे को हंसने की आदत पड़ गई हुई है बहुत ज़्यादा। मैं वीडियो बनाते मेरे को हंसी आने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली मैं अभी खाना खाने लगा था, आपको बता देता हूँ कि मैं क्या खाने लगा हूँ। बाकी ये देखिए, फुल शेक है, ये हमारी चार, ये नॉर्मल परौंठी है, और ये दो, शायद बस दो, पता नहीं कौन सी परौंठी है, और ये साथ में हमारे राजमा। गाइज वेट बहुत गिर गया हुआ है गाइज, मेरे ना 4 किलो गिर गया वेट। 70 प्लस हो गया था बीच में, जब से शेक थोड़ा बीच में डिले हो रहा है ना, कि कभी कभी दिन में नहीं आता, तो बेसिकली मेरा वेट बहुत ज़्यादा गिरने लग गया है गाइज। मतलब ना मेरे को तो डर रहने लग गया अब कि वेट दोबारा से गिरने ना लग जाए। तो बस अभी वेट, मसल वेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मसल वेट अभी धीरे धीरे करके गिर रहा है, क्योंकि मेरा जिम भी बीच में थोड़ी बहुत छुट्टियाँ हो गई तो थक जाता हूँ, या फिर जब कि प्रीतम बीमार हो जाता है, तो इस वजह से भी थोड़ा ना रेगुलर हो जाऊँगा ना जब कॉलेज, तब सेट रहेगा बिल्कुल। पर मैंने वेट ना, मैं सोचो मैंने मतलब 85 किलो तो लेके जाना है भाई, 85-90 किलो, और वो भी प्रॉपर मसल वेट लेके जाना है, ताकि थोड़ा मसल बड़ा करके उसके कटिंग पे आऊँ, तो भाई कटिंग पे लगे वाला मसल लगे। बाकी चलो गाइस, आपको खाना खाने के लिए मिलते हैं। अभी मैं अपना वही कंप्यूटर का काम कर रहा था, अभी इस करके फ्री हुआ था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ क्या कर रहा हूँ। तो मैं अभी HTML की प्रैक्टिस वाइज रिवीजन कर रहा था। तो ये देखिए, अभी तक जो क्लास में कराया उसके रिवीजन कर रहा था बेसिकली, और भी मैं चेक कर रहा था अपने टैग्स वगैरह कि और क्या क्या टैग्स मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी इसका रिज़ल्ट भी देख लीजिए, ये हमारे, ये देखो ये रिज़ल्ट आ चुका है इस चीज़ का। मतलब आ तो पहले ही आ था, मतलब मैंने मिनिमाइज़ वगैरह करके दिखाया आपको। ये मतलब मेरी फ़ाइल बनी थी HTML की, अभी मैं इसको थोड़ा चेंजेस करके फिर आपको दिखाता हूँ। बेसिकली अभी मैंने 6 टैग और लगा के देखे, तो उसमें से अब क्यू वाला सिस्टम है, क्यू वाला मैंने देखा अभी। तो ये देखो, ये देखो अब क्यू वाला हमारा, ये देखो कोटेशंस में आ गया है। जैसे अब प्रिंट वाला सिस्टम था, तो प्रिंट वाला हमारा उसमें ये हाईलाइट कर, जैसे ये हमने हाईलाइट कर दिया ना, ये किसी कलर में हाईलाइट हो जाता था। उसके बाद हमारा P1, P2, P3, P4, P5, 6 वाला था, तो उसमें से इसका कौन सा साइज़ है, मान लो इसका साइज़ अभी 2 है, तो इसका 1 भी हो सकता है, 2 या 3, 4, 5, मतलब बड़ा छोटा साइज़ हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक स्ट्राइक वाला देखा, जिसमें जैसे अंडरलाइन लगी वैसे ही इन वर्ड्स के ऊपर लाइन लग जाती है। ये सब करा मैंने आज, थोड़ा वैसा था तो इजी। मैंने कुछ, मेरे को जो कोटेशन थे मेरे याद, तो मेरे को ये लेके चलो कि 6 तो याद थे, पर जो 4 है ना, 4 थोड़े मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने अभी ऑनलाइन चेक करी यूट्यूब पे, तो बस उसके थ्रू मैंने अभी HTML का नोट पैड पर HTML का प्रोग्राम करा, बस दैट्स इट। उसके बाद अभी मैं देखता हूँ, अभी शायद मैं कौन सा एक वो है, कौन सा प्रोग्राम था, लेट मी चेक, वो स्यूडो कोड है, कौन सा स्यूडो कोड की प्रैक्टिस करता हूँ अभी, जस्ट स्यूडो कोड की प्रैक्टिस करके उसके बाद मैंने जाना है जिम। स्यूडो कोड की प्रैक्टिस अभी करूँगा, क्योंकि बीच में स्यूडो कोड है मेरे को थोड़ा इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो बस क्या करें, अब पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आगे क्लास में पीछे नहीं रहना यार किसी, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो किससे पीछे। हो भाई देखो नींद कैसे आ रही है, तो पढ़ने के टाइम पे मैं नींद आ जाती है, पर अगर गेम खेल रहे हो तो मैं नींद ही नहीं आती। तो बस वही है कि किसी से पीछे रहना नहीं है, क्योंकि आधी ज़्यादा आधी क्या मैक्सिमम क्लास पढ़ने वाली है मेरी। मैथ्स तो वैसे वीक है ही है, बट इन इस सब्जेक्ट्स में मेरा वीकनेस नहीं, मेरे इस सब्जेक्ट में मेरी पावर है अपने पास। तो बस यही है कि मैं इसको अच्छी तरह पढ़ के, अच्छी तरह मतलब इस चीज़ में मैं एटलीस्ट टॉप करवाऊँ। मैथ्स का तो चलो मैं करूँगा जितनी हो सकेगी, बाकी अपना इसमें तो मैंने मतलब फुल जोर लगाते हैं ना, इसमें तो कम नंबर आने नहीं हैं, कुछ भी हो जाए, बस जैसे टीचर जैसा मर्जी पढ़ाए, मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई तैयारी करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं इसमें, ठीक है गाइस। मिलते हैं फिर बाद में, आपको स्यूडो कोड दिखाऊंगा जब मैं स्यूडो कोड लिख लूँगा, वैसे तो रिटर्न है वो,
हाँ रिटर्न वाला सिस्टम है, बट मैं अभी नोट पैड पर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न में मेरा थोड़ा सिस्टम, हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है, थोड़ी नहीं बहुत गंदी है, तो इस वजह से अब मैं इस पे करूँगा लैपटॉप पे, आपको दिखाता हूँ बाद में। क्वेश्चन था डिविजिबल 5 बाय और नॉट, ठीक है। तो मैंने अभी ये वाला जौन सा है, जैसे मैं आपको कर्सर से दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला, ये जो हमारा है ना, ये हमने, अरे ऊपर से, सॉरी सॉरी, पहला क्वेश्चन था हमारा स्टार्ट इवन ऑड वाला, तो हमने स्टार्ट और ये वाला कर दिया। ये मैंने बेसिकली जौन सा ये वाला है ना, इवन ऑड वाला जौन सा लिखा हुआ है, तो ये वाला इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन पता चल जाए मैंने किस चीज़ की प्रैक्टिस कर ली है। तो बेसिकली एक ये क्वेश्चन था, ये हुआ, उसके बाद हमारा डिविजिबल बाय 5 वाला करा मैंने, अब स्टार्ट वाला, और फिर ग्रेटर लेस देन वाला करा, फिर स्वैपिंग हाई वैल्यूज़ वाला करा, ये देखो मतलब स्वैपिंग वैल्यूज़ वाला इन 3 डिजिट्स, ये देखो ये वाला इजी था। फिर जो जब मैंने ये वाला करा ना, ये वाला जो 2 वैल्यूज़ वाला था, इसमें मैं कहाँ पे आके अड़ गया था, ये जैसे अब हमने असाइन वाला लिखा है ना, मैंने असाइन ही लिखा था, फिर मैं ये दोनों को सॉल्व करके इसमें पुट कर रहा था, मैं कहा यार अलग आ रहा है आंसर, फिर बाद में जाके मेरे को समझ आया, मैं कहा यार असाइन वाला अलग आ गया, फिर ये दोनों को अलग करना था, तब जाके मैंने बेसिकली ये स्वैपिंग 2 डिजिट्स वाला मेरा कंप्लीट हुआ। बाकी अच्छा लगा सब ये सब करके, एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन मिली कि कर मतलब मैं कर सकता हूँ। चलो ठीक है गाइस, स्यूडो कोड कर लिया था, बस बेसिकली ये रहा कि अपना ये बहुत ही मुश्किल था जो सा ना, बाकी सारे तो क्वेश्चन हो गए थे, मतलब मुश्किल से मेरे को 30 मिनट लगे थे बाकी क्वेश्चन करने में, बट एक क्वेश्चन को मेरे को लग गए 15 मिनट, जो कि था अपने उसमें ना, वैसे तो 3 में हमने करना था वो वैल्यू स्वैप करनी थी, बट वैल्यू स्वैप करने में 3 वाला इजी था, बट जो आखिरी क्वेश्चन था वो दो वेरिएबल्स में वैल्यू स्वैप करनी, स्लैप थप्पड़ थोड़ी मारने, स्वैप करनी थी, तो बेसिकली वो करा, तो उसमें मेरा ना पहले 2 जोन से वो थे, a=2a+b, मतलब वो नहीं बता रहा, ए और बी का मैंने जो करना था उसको ऑपोजिट कर दिया, और बाद में मैं इतने टाइम तक सोचता रहा भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, बट समझ ही नहीं आ रहा था, उसके मैं इतना दिमाग लगाया, उसके जाके मेरे को पता चला ओ तेरी ये हुआ, ये होना था, इतनी सी चीज़, मतलब मेरे को इतना टाइम लग गया ना उसमें, मतलब मेरा दिमाग लिटरली ख़राब हो गया था। अब तो उसके बाद मेरे को जो मैंने उसके एक दो क्वेश्चन उसमें और करके देखे स्यूडो, उसी क्वेश्चन को मतलब अलग वेरिएबल्स डाल के या फिर अलग नंबर्स डाल के अलग वैल्यूज डाल के देखा, फिर मेरे को समझ आया, मैं कहा अच्छा ऐसे करना था, मैं फिर जाके मेरे को शांति मिली, मैं कहा चलो अब आराम से जाएंगे जिम, क्योंकि अब हमारा हो चुका है स्यूडो कोड कंप्लीट, और हम जिम जाएंगे और फिर हम जाके जिम लगाएंगे। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर बाद में। तो बस अभी मैं घर से निकला हूँ जिम के लिए, अभी तो एक तो लिफ्ट नहीं चल रही, अब स्टेयर से जा रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई, अभी ऊपर चढ़ के आया था, अब दोबारा नीचे जा रहा हूँ। ओके आज तो लगाएंगे हम शोल्डर, प्रीतम आज आ नहीं रहा, आज मेरे एक पुराने फ्रेंड हैं उनके साथ जा रहा हूँ, वो कह रहे थे मैंने भी लगना है जिम, तो मैं कहा चल पड़ो साथ अगर चलना है, तो कहते हाँ तू आ जा नीचे, अभी मैं बस नीचे ही जा रहा हूँ, वो भी आ रहे हैं, तो फिर आज तो मैं शोल्डर लगाऊंगा, वो लगाएंगे मिक्स, बाकी आपको जिम में जाके मिलते हैं। अभी जिम आए थे, शोल्डर लगा रहा हूँ, मॉप कर लिया, बाकी अर्श मिल गया, वो पीछे लगा रहा है, बाकी वो मिलवाते हैं अर्श से, और शोल्डर लगाते साथ साथ। आए आए लड़के, कैसे हो मेरे निपुण भाई के चाहने वालों, आए कौन सी लगा रहा है शोल्डर, बहुत बढ़िया भाई शोल्डर लगाएंगे पूरा, कितने एक्सेल लगा ली, लगा ली बस, मैं अभी पहली एक्सेल लगाई खत्म करी है, बाकी आपको एक्सेल के बाद मिलते हैं। अपनी अभी शोल्डर लगा लिया है, देखो शोल्डर तो लगा लिया बस अपना, अब बस घर जाने लगा हूँ, बाकी आपको घर जाके बताता हूँ कि क्या डाइट ली है। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर बाद में घर पर, ब्लॉग एंड करते हैं आज का, तो बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड घंटी का बटन दबा देना, इस तरह आपको हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन आती रहेगी और हम अपनी फैमिली ग्रो करते रहेंगे। और बाकी आज की हालत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि कल मेरा सिस्टम ये था कि कल रात को मैं एंड करना भूल गया था,
तो आज सुबह, अभी आज सुबह नहीं मतलब, हाँ सुबह ही लगा लो, सुबह 2-3 बजे के करीब एंड कर रहे हैं ब्लॉग। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में।